वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्पेशली मैं आपके सामने आया हूँ डेमो देने, स्पेशली थ्री डोर का, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। ट्रेंड में मिल सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है और नंबर वन फ्रीजर के मामले में ये माना जा रहा है। थ्री डोर के मामले में पहला कॉन्सेप्ट आया है जो कि इंडिया के अंदर। तो इसके कुछ पाँच स्टेप है कि स्पेशली इसमें एक्चुअली है क्या। सबसे पहला है ब्रांड, दूसरा है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ब्रांड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जर्मन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है। जर्मन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है तो ऑब्वियसली आज मैं आपको जर्मन ब्रांड के बारे में ही बताऊंगा। सेकंड है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया बोल रहा हूँ क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट आया है जो कि फर्स्ट टाइम थ्री डोर के साथ आया है, जिसको हम मैक्स फ्लेक्स के नाम से जानते हैं, यानी फ्लेक्सीबल। आप देख रहे होंगे थ्री डोर फ्लेक्सीबल है तो उसके नाम से ही आया है। सेकेंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में बताता हूँ एक्स्ट्रा स्पेस में ये है कि 20 से 80% का इसमें रेशियो है, यानी फ्रीजर आपको बड़ा मिल रहा है एंड फ्रिज भी आपको बड़ा मिल रहा है, पहला है। अब चौथा है कि रियल कन्वर्टेबल। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रीजर ही रहेगा प्लस जो ये पोर्शन है इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपेयर टू जितने भी ब्रांड आते हैं सभी में आप फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर देते हो, बट उसको वापस कन्वर्ट करने में आपके 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा 66 लीटर का स्पेस दे रखा है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी फ्रीजर टू फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये रीजन है। अब बात आते हैं इसके फ्रिज फ्रीजर और कंपार्टमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रीजर 20% है, फ्रिज 80% है और एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट ये है 66 लीटर का, वो मैं आपको प्रॉपरली डेमो में बताऊंगा। डेमो शेयर करता हूं मैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी कैपेसिटी की। कैपेसिटी है इसकी 364 लीटर की कैपेसिटी है। ट्रिपल डोर कॉन्सेप्ट के साथ आता है और स्मोकी स्टील कलर में है। पॉकेट हैंडल के साथ आता है और पहले मैं बात करूंगा मॉडल की। मॉडल है CMC 36K05NI, 364 लीटर का है। अब डेमो में ऐसा करता हूं, सबसे पहले इसके फ्रंट की। फ्रंट में अगर देखेंगे तो फ्लैट डोर डिजाइन है, डिस्प्ले के साथ है, बॉस ब्रांड नाम लिखा है, यानी बॉस अपने आप में प्रीमियम में माना जाता है और डिस्प्ले टेम्परेचर आप यहीं से कम ज्यादा कर सकते हो। इसका टेम्परेचर भी आप यहीं से कर सकते हो और फ्रिज का टेम्परेचर भी आप यहीं से कर सकते हो। स्टिकर की बात करेंगे तो इस पे वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर का स्टिकर लगा हुआ है जो कि 10 साल के कंप्रेसर की वारंटी देता है। अब मैं बात करूंगा इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ्रीजर। फ्रीजर भाग में आप देख रहे होंगे सामने ही है कोल्डेस्ट एंड कोल्ड में इसमें आप कम से ज्यादा कर सकते हो। कम करना है कम करिए, ज्यादा करना है ज्यादा करिए। ये आइस ट्विस्टर का है, आइस ट्विस्टर का इसमें अलग से बॉक्स दे रखा है और दो डोर में ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं बात करूंगा इसके फ्रिज भाग की। फ्रिज भाग में ये आपका है 80% स्टोरेज। 80% स्टोरेज में क्या है, ये कंपार्टमेंट अलग है और ये वाला कंपार्टमेंट अलग है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा फ्रीजर भाग आपको यहां पे मिलेगा, ऑलमोस्ट 40% के करीब फ्रीजर भाग। रीजन इसलिए क्योंकि ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसको आप कन्वर्ट करके फ्रीजर में भी यूज कर सकते हो। ऑन डिमांड फ्रिज एंड ऑन डिमांड फ्रीजर, इसको आप मल्टीपर्पज की तरह यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आप हर प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, मसाले वगैरह हो गए, बेबी केयर प्रोडक्ट हो गया, वाइन चिलर रैक्स हो गया, स्पेशली आइसक्रीम रैक हो गया, स्पेशली आपके फूड वाले आइटम्स हो गए, मदर डेयरी प्रोडक्ट हो गए, या फिर घर में अगर अलग अलग मेहमान हैं, मेंबर्स हैं कि जो चिकन खाते हैं, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, तो स्पेशली आप इसको नॉन वेज वाला पार्ट भी बना सकते हो, स्पेशली 66 लीटर का। तो ये हो गया इस कंपार्टमेंट का फायदा, यानी इसीलिए इसको मैक्स फ्लेक्स कहते हैं, जिसको आप मल्टीपर्पज की तरह यूज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स की। फीचर्स में इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मल्टी एयर फ्लो इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट रखते हो, चाहे यहाँ रखा आपने, चाहे कॉर्नर में रखा, चाहे बीच में रखा, तो उससे क्या होता है, जो इसकी एयर फ्लोइंग होती है वो कॉर्नर टू कॉर्नर
और जितना भी आपने प्रोडक्ट रखा है हर प्रोडक्ट तक जाती है, जिससे कि वो कूलिंग को मेंटेन करके रखे। यही मल्टी एयर फ्लो का फायदा है। अब आता है इसका फ्रेश साइंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये ऑप्टिमल कूलिंग बना के देता है पूरे फ्रिज भाग में, जिसकी वजह से बिजली की सेविंग भी होती है। और एक टाइप से ये 6 सेंसर में वर्क करता है। 6 सेंसर में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आउटर टेम्परेचर सेंसर हो गया, इंटरनल टेम्परेचर सेंसर हो गया, डीफ्रॉस्ट सेंसर हो गया, डोर सेंसर हो गया, कंप्रेसर सेंसर हो गया। तो इस टाइप के इसमें कम से कम 6 सेंसर आते हैं जो कि ऑप्टिमल कूलिंग बना के देते हैं फ्रिज को। यानी बात करता हूँ इसके सेल्फ वगैरह की। सेल्फ जो आते हैं इसके, ये सेल्फ इसके एडजस्टेबल सेल्फ होते हैं। आप इजीली टू इन सेल्फों में बर्तनों को अप डाउन कर सकते हो। यानी कोई बड़ा बर्तन है, कोई छोटा बर्तन है, आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा इसके वेजिटेबल केस की। वेजिटेबल केस जो है इसका वीटा फ्रेश वेजिटेबल केस इसको बोला जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीटा वेजिटेबल केस इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये है क्या, ये आप देख रहे होंगे इसमें लाइनिंग टाइप भी बना रखे है। इसको बोलते हैं हम वेव डिजाइन टेक्निक, वेव डिजाइन। और इसका सबसे खास बात क्या है इस वेजिटेबल का कि ये लाइट वेट होता है। ये वाला पोर्शन आपका अनब्रेकेबल होता है, प्लस क्लीनिंग के मामले में बहुत ही बेटर है। बिकॉज इसका जो आगे वाला पोर्शन है, यहाँ पे लॉक सिस्टम है दोनों साइड में, तो ये आप खोल के पूरे वेजिटेबल को आराम से क्लीन कर सकते हो। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है, अप टू 10 डेज तक फ्रेश कैसे रहेंगे इसमें वेजिटेबल, क्योंकि कभी भी कोई आप फ्रूट रखते हो प्लेन सरफेस पे तो उसमें मॉइस्चर बनता है। उस मॉइस्चर से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आपका फ्रूट खराब हो जाता है इस टाइप से। बट यहाँ पे क्या होता है, जब एयर 360 में सर्कुलेट होगी तो जो आपका फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल वगैरह है वो आपका खराब नहीं होता है। इसीलिए ये वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी इसका आता है पेटेंट, ये इसका फायदा है। ठीक है जी, वेजिटेबल केस के ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मॉइस्चर कंट्रोल का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। और 180 kg, अप टू 180 kg तक इन्होंने लिखा हुआ है कि टेस्टेड है इनके टफ एंड ग्लास। जो इसका ग्लास होता है 180 kg तक टफ एंड ग्लास है, जिसमें आप वेट रख सकते हो, टेस्टेड है, ब्रेक नहीं होगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। डोर सेल्फ की बात करूंगा तो ये फ्रीजर का सेल्फ है, ये आपका फ्रिज का सेल्फ है। यहाँ पे मल्टीपर्पज बॉक्स दे रखा है। मल्टीपर्पज बॉक्स जैसे कि आप मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं या कॉस्मेटिक सामान यूज करते हैं तो उसके लिए है। अगर ये वाला जो बॉक्स है आप इसको स्लाइड करके इधर उधर सेट कर सकते हो, और अदरवाइज इस वाले बॉक्स को आप अलग भी हटा सकते हो, यानी निकाल भी सकते हो अगर आपको स्पेस फुल चाहिए तो। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं इसके एडिशनल फीचर्स की, आप देखे होंगे स्टिकर में एडिशनल फीचर्स है। तो एक्सेल स्पेस जो मैंने बताया, ये एक्सेल स्पेस है स्पेशली 66 लीटर का अलग से स्पेस है, जिसके लिए आप मार्केट में 9 से 10 हजार रुपये खर्च करते हो एडिशनल स्पेस के लिए। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस वैसे ही फ्रिज के साथ मिल रहा है, 364 लीटर का फ्रिज है। अब बात करेंगे वीटा फ्रेश, मैंने बता दिया है, इजी सेल्फ सर्विस बता दिया है, आपका 6 in 1 कन्वर्टेबल मोड्स बता दिया है, जो ये कन्वर्टेबल्स है। ठीक है, और दूसरा चीज इसमें 20 and 80 का रेशियो है। अब लास्टली मैं बात करता हूँ इसकी वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 10 ईयर की वेरियोमीटर कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि अप टू 40% एनर्जी सेविंग करता है। सो आज मैंने आपको बॉस के ट्रिपल डोर CMC 36K05N के बारे में बताया है। अगर इस फ्रिज के बारे में कुछ पूछना हो या कोई भी क्वेरी लेनी हो, कोई भी फीचर्स लेना हो, तो आप जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।